फुलावा आए तो चारों दिशाओं में बताते हुए जाना, खाटू वाले सांवरे का संदेश आया है, सांवरे ने हमको देखो खाटू बुलाया है। टिकट खाटू धाम का कटा लीजिए, टिकट खाटू धाम का कटा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए। फागण का महीना चलने लगा, सतरंगी फागण का महीना होता है, तो क्यों ना फागण के मेले का मजा लीजिए, फागण के मेले का मजा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए। आइए जरा 10 मिनट के लिए खाटू चलते हैं, उसके बाद आदि शक्ति माँ जगदम्बा के दरबार में फिर से चलेंगे। आओ जरा मीठी मीठी तालियों के साथ। Oh,
प्रेमी घर से निकलते हैं खाटू धाम के लिए। पहला पड़ाव आता है रिंगस, और रिंगस से थोड़ा आगे पहुंचते हैं एक टोल पड़ता है। जो गए होंगे उनको पता होगा एक टोल पड़ता है। अब क्योंकि प्रेमियों की आदत होती है अकेले नहीं जाते, उनके साथ चार श्याम प्रेमी हमेशा रहते हैं। और कभी कभी जो पहली बार गया होता है वो पूछने लगता है अभी कितनी दूर और खाटू रह गया है, बताओ ना भैया कितनी दूर। उससे पूछा है तो कानपुर के प्रेमी जवाब देते हैं, आधा रास्ता कट गया है, आधा रास्ता बाकी है, आधा रास्ता कट गया है, आधा रास्ता बाकी है, थोड़ी देर ठहरो पीछे छूटा अपना साथी है, आधा रास्ता कट गया है, आधा रास्ता बाकी है, थोड़ी देर ठहरो पीछे छूटा अपना साथी है, थोड़ी देर ठहरो पीछे छूटा अपना साथी है। एक साथी पीछे छूट जाता है, ये प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ जो होता है वहाँ अक्सर। एक साथी जब पीछे छूट जाता है कानपुर के यहाँ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके लिए। साइड में रुकते हैं, हल्की हल्की सर्दी हो रही है तो क्यों ना कुल्हड़ की चाय का, ओ कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, हाँ रुक थोड़ा चाय का उठा लीजिए, थोड़ा चाय का उठा लीजिए, मेरा खाटू धाम का उठा लीजिए, ओ मन में रूप श्याम का बसा लीजिए, मन में रूप श्याम का बसा लीजिए। जो चल रहे हैं खाटू एकादशी पे प्रेम से मिलके बोलो श्याम तेरा खाटू धाम का लगा लीजिए।